भोपाल में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। थाना ईटखेड़ी क्षेत्र में चरित्र संदेह के शक में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और पत्नी के टुकड़े कर उसको जलाकर ईटखेड़ी अरवलिया जोड़ कचरा खंती पर दफना दिया। महिला की बॉडी के 14 टुकड़े अलग अलग खेत में मिले। 22 मई को महिला की गुमशुदगी निषादपुरा थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। दो साल की बच्ची मतलब जल के मर गई। तो किसकी भी मतलब हमारी बहन की लड़की थी, जो अभी उसका हत्या हुई है अभी, उसकी बहन की लड़की थी। लेकिन वो मानता था कि हमारी बहन नहीं मारा, ये कह के उसको मारता था, टॉर्चर करता था, ठीक है ना। फिर अभी 21 तारीख के दिन उसका फ़ोन आया, कहला आ जाओ, क्या नाम मीना, क्या नाम है, चाइना सेल के अंदर हम बात करने, मतलब बात करना है। चाइना सेल पर आके लेके गया वो। उसके बाद मतलब हमारी बच्ची घर नहीं पहुँची। जब वहाँ जाके हमने मोहल्ले वालों से पता करा तो वहाँ पता चला कि इसने मतलब वायर हाई ना करके उसका जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद उसको घर में घर में ले आ गए। हमारे घर की बेटी जिसको उसके आदमी ने मारा है, 21 तारीख को घर से लेके गया था कि चाइना बाज़ार में मुझे मिलने के लिए आ। जब वो चाइना बाज़ार मिलने गई तो उसको अपने घर ले जाके उसको वहाँ मारा पीटा और वहाँ पे बढ़ाए ना करके उसका पूरा है ना जुलूस निकाला मोहल्ले वालों के सामने, और फिर उसके टुकड़े करके और वहाँ पे ना काली मिट्टी के खदान में ले जाके जला के और उसको वहीं दफन कर दिया। सानिया जो है 21 तारीख को घर से अरोंद में उसका मायका है, वहाँ से वो चली थी तो अपने पति क्या कहते हैं नदीम जो पतलून में रहता है उसके संग ये इसने ले आया था। उसको परिवार वालों को पता नहीं था कि पति के संग गई है। उन लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट निषादपुरा में की थी। निषादपुरा वालों ने जो है उसकी गुमशुदगी की जांच की, तस्दीक किया। उसकी जांच के दौरान उनको पता चला कि उसका पति ने जो है उसका हत्या कर दिया है। तो इसमें इससे उन लोगों ने पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बता दिया कि मैंने उसको जो है हत्या करके और अरवलिया के पास जो कचरा फेंकते हैं वहाँ पर खंती है, खंती में छिपा दिया हूँ। फिर इसके साथ पूरा पुलिस आई, ईटखेड़ी की पुलिस मिलकर उसकी जो तहदीक की उसको ले जाकर बताया गया। तो खंती के पास उसने बताया कि 21 तारीख को मैंने उसकी हत्या कर दी थी घर पे पतलून में, और उसे रात में 11-12 बजे लाकर